400 किलोमीटर से भी ज्यादा आज हम लोगों ने राइड किया है एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए नौगांव। यह हमारा फर्स्ट एपिसोड रहने वाला है सिलचर टू तवांग का। चार बाइक और एक गाड़ी का ग्रुप मिलकर हम लोग जाने वाले हैं। अभी फिलहाल सबसे पहले हम लोग आसाम से मेघालय एंटर करना पड़ेगा। रिवर का पानी का कलर देखो भाई, एक ट्रक खराब हो गया तो वही समझ लो जाम लग गया। ऐसा लग रहा है किसी ने पेंटिंग कर दिया यहाँ पे लेयर वाइज लेयर पहाड़ों को। इसी जगह का फोटोज मैंने बहुत जगह पे देखा है, फोटो वीडियो सब कुछ, एंड आज मैं खुद इसे देख रहा हूँ। यार बड़ा मजा आ रहा है इसको देखकर। सुबह का बज रहा है 6 और पहाड़ पूरा फॉग होके रखा है एंड यहाँ पे आपका केपी भाई भी फुल पावर रेडी होके रखा है। कहने का मतलब ये है कि राइड पे निकल रहे हैं, लॉन्ग राइड। यहाँ पे मैं मोर देन रेडी हो गया हूँ एंड मैं मोर देन एक्साइटेड हूँ आज का ट्रिप के लिए। आज हम लोग निकलने वाले हैं तवांग के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारा फर्स्ट एपिसोड रहने वाला है सिलचर टू तवांग का ट्रिप का। अभी बिना टाइम वेस्ट किए मैं नीचे जाता हूँ, अपना लगेज वगैरह सब कुछ एक बार सेट करता हूँ एंड निकलते हैं। एंड ग्रुप में कौन कौन है, कौन कौन जा रहे हैं, वो सब मैं आपको नीचे जाके मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे बताता हूँ। तो बॉयज एंड गर्ल्स, ये अपना लियो रेडी, ये हायाबुसा रेडी, जी नोसर रेडी, इसमें लगेज भी आ गया है। वहाँ पे और भी थोड़ा बहुत लगेजेस है, ये सब जाने वाला है गाड़ी पर। एंड यहाँ पे टेनार भी रेडी। चार बाइक और एक गाड़ी का ग्रुप मिलकर हम लोग जाने वाले हैं। सामान सारा गाड़ी पे रहने वाला है। मेरा बाइक पे जगह था तो मैंने यहाँ पे बांध लिया थोड़ा बहुत। अभी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी आएगा तो हम लोग निकल जाने वाले। रूट क्या रहने वाला है क्या नहीं, वो हम आपको बाइक पर बैठ कर बताने वाले हैं। बॉयज गड्डी इज हियर, बाइक्स आर हियर, वी आर ऑल सेट टू गो। Let's roll, ladies and gentlemen. Map भी set है यहाँ पे। Finally, boys, with this we are starting our ride, ride to Tawang. Boys, it's morning 7:22 and हम लोग proper town से निकल गए हैं and आज का जो रूट रहने वाला है वो मैं आपको बता दूं। कल हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग हाफलोंग का रूट होके जाने वाले, पर रात को हम लोगों ने प्लान चेंज किया है कि हाफलोंग का जो रूट है वो एक जगह पे बहुत ही खराब हो गया कल रात को, तो उसके कारण हम लोगों ने रात को प्लान चेंज कर दिया है। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड जोराबाट, जो कि सिलचर तो गुवाहाटी वाला रास्ता पे आता है। फिर जोराबाट से हम लोग लेंगे राइट टर्न एंड निकल जाएंगे नौगांव के लिए। देखते हैं आज नौगांव पहुंच पाते हैं कि नहीं, बिकॉज जोराबाट होके जाएंगे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा। अभी फिलहाल सबसे पहले हम लोग को आसाम से मेघालय एंटर करना पड़ेगा, मेघालय से फिर से आसाम में एंटर करना पड़ेगा, फिर जाके लाहे लाहे हम लोग जाके नौगांव जाके पहुँचेंगे। तो देखते हैं क्या प्लान बनता है क्या नहीं। अभी जर्नी जस्ट शुरू किया है, जोराबाट यहाँ से 9 घंटा है, तो सबसे पहले जोराबाट चलते हैं। गूगल मैप में दिखा रहा है 9 घंटा, पर 9 घंटा नहीं लगने वाला है, उससे भी कम लगेगा। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। और राइड थोड़ा लंबा हो गया, इससे तो हमें खुशी होना चाहिए, है ना। तो लो जी लो, हम लोग पहुंच गए हैं डिगोरखाल एंड ऑलरेडी हम लोगों ने 57 किलोमीटर क्लॉक कर लिए हैं एंड टाइम अभी लगभग 8 बजे है। अभी सामने हमारा ढाबा आने वाला है, महाकाली ढाबा, उस पर जाएंगे, वहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट एंड देन सीधा निकल जाएंगे मेघालय के लिए। फाइनली रिच महाकाली रेस्टोरेंट एंड यहाँ पे हम लोग का ब्रेकफास्ट चल रहा है। आज का राइड पे कौन कौन है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सुमित भाई हो गया, फिर तीर्थो भाई हो गया, फिर एक और तीर्थो भाई हो गया, फिर यहाँ पे राजा भाई, राजा भाई हाई करी दो। फिर यहाँ पे इस भैया के साथ पहला राइड आज हम लोगों का एंड इस भैया के साथ भी हेलो कर दो। यहाँ पे फुल पावर हम लोग दाल तड़का के साथ रोटी दबा रहे हैं, उसके बाद निकल जाएंगे हम लोग। डन विद द ब्रेकफास्ट, द टाइम इज 8:53 एंड लेट्स स्टार्ट द जर्नी वंस अगेन। एंड अभी भैया मैंने रेन सूट लगा लिया है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा धूल उड़ रहा है एंड आई डोंट वांट धूल इन माय जैकेट एंड बॉडी, इसके लिए मैंने रेनकोट लगा लिया है। जितना भी धूल वूल गिरेगा सब रेनकोट पे गिरेगा, रेनकोट पे थोड़ा पानी डाल दूंगा, पानी डाल के सुखा दूंगा, ये जल्दी सूख भी जाएगा, वही बात है। अभी गाइस फिलहाल हम लोग निकल गए हैं मालीडोर से, अभी सीधा हम लोग एंटर करने वाले हैं मेघालय। 60 किलोमीटर ऑलरेडी हम लोगों ने क्लॉक कर लिया है। मेघालय पर एंटर करते हैं, सुनापुर क्रॉस करते हैं, उसके बाद रास्ता थोड़ा सा बेटर है, फिर लाटिन बाई क्रॉस करेंगे, उसके बाद अच्छा रास्ता
रास्ता मिलने वाला है हम लोगों को। अभी तो फिलहाल बहुत खराब खराब रास्ता मिलने वाला है। चलो चलते हैं आगे, हम आपको दिखाने भी वाले हैं। दिस इज द ब्रिज, इसके बाद से मेघालय शुरू। ये जो पहाड़ है मेघालय है, मेरे पीछे जितना कुछ है वो सब आसाम है और सामने जो कुछ है वो मेघालय है। मैं आपको धूल के बारे में बोल रहा था, ये छोटा सा ऑटो इतना ज्यादा धूल उड़ा रहा है। अब समझ लो किसी ट्रक के पीछे अगर मैं फंस गया तो कितना धूल खाने वाला हूँ। बॉयज एंड गर्ल्स, रास्ता का जो कंडीशन है वो ज्यादा अच्छा भी नहीं है, ज्यादा खराब भी नहीं है, लेकिन बहुत सारा गड्ढा वड्ढा है। यहाँ पे फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं सोनापुर मंदिर। तीन बाइक आ गया है, एक और बाइक आने को बाकी है, गाड़ी भी आने को बाकी है। यहाँ से भाई सोनापुर रिवर का पानी का कलर देखो भाई, पूरा ब्लू कलर का होकर रखा है। यहाँ से पूरा रिवर जाता है। इस रिवर को मैं और भी अच्छे से दिखा पाऊंगा आगे जाकर। बातें करते करते टेनार भी आ गया है। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि गाड़ी अभी तक आया नहीं है एंड हमारे सामने जाम लग चुका है। तो अभी हम लोग सोच रहे कि जाम को क्रॉस करते हैं, फिर कहीं पर अच्छा सा लोकेशन देख के रुकेंगे गाड़ी के लिए। देखो भाई ट्रक का जब जाम लगता है तब कितना लंबा लंबा जाम लगता है। गाड़ी से आओगे तो ये डिसएडवांटेज है कि बीच में फंसा रह जाओगे। हमारा तो बाइक है इसलिए हम लोग साइड से होके निकल जाएंगे। क्या होता ना कि रास्ते के बीच में ट्रक खराब हो जाता है, एक ट्रक खराब हो गया तो भाई समझ लो जाम लग गया। भाई यहाँ पे जो जाम लगा है ना बहुत हैवी वाला जाम लग चुका है एंड मुझे लग नहीं रहा है कि गाड़ी हम लोग का ये वाला जगह जल्दी क्रॉस कर पाएगा। तो लो जी लो, हम लोग सोनापुर टनल के सामने पहुंच गए हैं। यहाँ पे सोनापुर रिवर पूरा ब्लू कलर का होके रखा है एंड दिस इज द पोर्शन जहाँ पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होता है। यहाँ से पूरा ऐसा होकर सारा कीचड़ विचर इस जगह पे आ जाता है। अभी यहाँ पे सुनते कुछ फ्लाई बाई। बढ़िया साउंड भाई, बढ़िया साउंड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन जस्ट चेक द कलर ऑफ द रिवर, पूरा ब्लू कलर होके रखा है। यहाँ पे उस साइड पे भी पूरा ब्लू है, बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। अरे गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक छोटा सा पानी का ब्रेक के बाद हम लोग निकल पड़े अभी लाटरिम्बाई के लिए। वहाँ पे जाके फ्यूल अप सब कुछ करवाना पड़ेगा सुपर बाइक पर। मेरा बाइक पे तो अभी तक फुल पेट्रोल है भाई। अभी तक हम लोग लाटरिम्बाई नहीं पहुँचे एंड रास्ता जो है बहुत अच्छा हो गया है एज कम्पेयर टू सोनापुर वाला रोड, लेकिन बम्प्स है अभी भी, ऐसा बम्पी है। पीछे सोनापुर का रास्ता से ये रास्ता बहुत अच्छा है, फार बेटर है। तो भाई अभी हम लोग पहुंच गए हैं कैलेरिया, दिस इज ए प्रॉपर टाउन एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत जाम भी लगा हुआ है। यहाँ से जोराबाट अभी भी 166 किलोमीटर है। जोराबाट से हम लोगों को लेना है राइट टर्न। भाई बहुत समय लगेगा आज तो। एक्चुअली ये एक नेशनल हाईवे जो टाउन के बीच में से होते हुए जा रहा है, जिसके लिए जाम ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। पहुंच गए है लाटरिम्बाई फ्यूल स्टेशन। अब यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बाइक का कंडीशन कुछ ऐसा है, बहुत कीचड़ मिल गया था बीच में हम लोग को। अब हमारे हेलमेट को थोड़ा बहुत साफ कर रहे क्योंकि धूल बहुत ही था हेलमेट का, पूरा वाइजर पे धूल धूल होके रखा है। एंड जस्ट लुक एट द क्लाउड्स, लुक एट द स्काई, बहुत सुंदर लग रहा है। तो भाई लीविंग फ्रॉम लाटरिम्बाई, हम लोग यहाँ पे बहुत समय रुके हैं अपना गाड़ी के लिए। गाड़ी जो है वो पीछे कैलेरिएट वाला जाम पे फंस चुका है, तो उसे यहाँ पर आने में और भी ज्यादा समय लगेगा। तो हम लोग क्या प्लान किया अभी कि हम लोग जाएंगे जॉय का रेस्टोरेंट पे जाके लंच का ऑर्डर करेंगे। लंच आते आते वो लोग भी आ जाएगा, फिर एक साथ ही लंच करेंगे, फिर निकल जाएंगे हम लोग तो जोराबाट के लिए।
भाई यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट शिलोंग बाईपास के सामने पहुँच गए हैं एंड इसके ऊपर है एक रेस्टोरेंट जिस पर हम लोग करने वाले हैं लंच। तो भाई यहाँ पे हम लोग शिलोंग बाईपास के सामने पहुँच गए हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट पर हम लोग आ गए लंच करने के लिए। हमारा गाड़ी अभी तक यहाँ पे पहुँचा नहीं है। जो कुछ भी ऑर्डर किया है सब कुछ आ गया है। क्या क्या ऑर्डर किया है दिखा दो। तो भाई यहाँ पे फटाफट से हम लोग लंच कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं गाड़ी कब तक आता है क्या नहीं। भाई यहाँ पे सब लोग का लंच हो गया है कंप्लीट, गड्डी भी आ गया है हमारा साथ अभी, एंड नाउ वी आर गुड टू गो। जर्नी दोबारा से शुरू करते हैं फुल पावर। यहाँ पे आप मुझे देख सकते हो। यहाँ पे इनसे 360 भी लगा दिया है। लेट्स रोल लेडीज एंड जेंटलमैन। हम लोग जब चेरापूंजी गए थे यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लिए थे एंड नाउ इट्स टाइम फॉर जोराबाट जो कि राइट साइड पे है। लेट्स गो गो गो। Wow guys, wow! Look at the scenery, यार। ऐसा लग रहा है किसी ने पेंटिंग कर दिया यहाँ पे लेयर वाइज लेयर पहाड़ों को। बड़ा मज़ा आ रहा है यार। एंड ये जो टर्न है ये बहुत फेमस टर्न है यहाँ पे। बहुत लोग यहाँ पे आके वीडियो खींचते हैं, अपलोड करते हैं। उन लोगों का वीडियो देखकर मैं भी सोचा करता था कि एक दिन ना एक दिन ज़रूर जाऊँगा। देखो भाई आज वो दिन आ भी गया है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज दी बड़ा पानी। इसी जगह का फोटोज मैंने बहुत जगह पे देखा है, फोटो वीडियो सब कुछ, एंड आज मैं खुद इसे देख रहा हूँ। यार बड़ा मजा आ रहा है इसको देखकर। वहाँ पे सनसेट भी होने को है, थोड़ा सा इस वक्त बाकी है सनसेट होने से पहले। एंड दिस प्लेस इज वर्थ इट यार, बहुत मस्त जगह है। अभी एक बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोगों को 4-lane रोड मिला है। आज हम लोग नौगांव तक जाने वाले हैं एंड पूरा वहाँ तक हमें 4-lane वाला रोड मिलने वाला है। तो भाई यहाँ पे फाइनली हम लोग सूरज ढलने से पहले जोराबाट एंटर कर लिए हैं। यहाँ से अभी हमें नीचे से होते हुए जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बनता है एक छोटा मोटा सा ब्रेक। तो गाइज नाउ इट्स टाइम फॉर ए कॉफी ब्रेक, कॉज सब लोगों का मुँह देखो एक बार, सब लोगों का मुँह देखो, सब लोग टायर्ड हो गया है एंड थोड़ा बहुत नींद भी आ रहा है। तो यहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं, अपने आप को थोड़ा बहुत चार्ज अप करते हैं एंड निकलते हैं। आज का प्लान हम लोग का तेजपुर जाने का था, लेकिन अभी हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग नौगांव तक जाएंगे। नौगांव तक जाके नौगांव पे होटल लेके आज नौगांव पे स्टे करेंगे हम लोग। टूट पड़ो अभी इस पे। तो भाई एक कॉफी ब्रेक के बाद हम लोगों ने राइड शुरू कर दिया है। नौगांव का मैप यहाँ पे लगा दिया है, सीधा जाएंगे नौगांव। यहाँ से 98 किलोमीटर 1 hour 55 minutes दिखा रहा है टाइम, ऑलमोस्ट 6। उस हिसाब से हम लोग 8 बजे तक नौगांव पहुँच जाने वाले हैं। फुल टैंक कीजिए, कितना लीटर है? 7.16। टोटल आज हम लोगों ने 321 किलोमीटर चलाया, फ्यूल कंजम्पशन हुआ है 7 लीटर का। उस हिसाब से आप इसका माइलेज कैलकुलेट कर दीजिए, मैं आपको कैलकुलेट करके बोल दूंगा। अच्छा खासा माइलेज मिल रहा है मेरे को। The boys finally reached Nogao. यहाँ से हमें लेना है राइट टर्न एज पर द मैप एंड
एंड हमारा होटल यही आसपास कहीं पर है, 2.4 किलोमीटर्स दिखा रहा है। 400 मीटर बाद दोबारा से लेफ्ट टर्न। तो फाइनली बॉयज रिच नौगांव एंड आज हम लोग इस होटल पर रुकने वाले हैं। फिलहाल तो भैया लोग गए हैं ऊपर, तो आज की यहाँ पे पार्किंग वगैरह का फैसिलिटी है कि नहीं, एक बार सब कुछ कंफर्म हो जाए तो हम लोग बाइक और गाड़ी जो है, तीनों बाइक यहाँ पे है और गाड़ी भी है। सुमित्रा थोड़ा पीछे रह गए तो सुमित्रा भी आ जाएंगे थोड़ी देर पे। ये सब कुछ हम लोग पार्क कर देंगे, पार्क करके हम लोग जाएंगे होटल के अंदर। तो ये हमारा रूम हो गया, यहाँ पे डबल बेड, फिर पीछे बाकी सबका रूम देख कर आते हैं। बॉयज 400 किलोमीटर से भी ज्यादा आज हम लोगों ने राइड किया है एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए नौगांव एंड नाउ वी आर मोर देन टायर्ड एंड टू मच टायर्ड एंड डिनर विनर सब कुछ डन, इट्स टाइम टू स्लीप। कितना बज रहा है? 11:23, इट्स टाइम टू स्लीप। मिलते हैं अगले व्लॉग में। दिस इज केतन साइनिंग आउट फ्रॉम केपी व्लॉग्स।